अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ रिच एंड मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये ब्राज़ीलियन केक है जिसे ब्रिगेडेरो भी बोलते हैं। ये वहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही यमी और मॉइस्ट केक है ये। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ब्रिगेडेरो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक थिक बेस पैन में 2 कप कंडेंस मिल्क लिया है, स्वीटेंड कंडेंस मिल्क है, कोको पाउडर लिया है 1/4 कप। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई भी लंप बाकी ना रहे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसकी फ्लेम ऑन करेंगे। अभी फ्लेम ऑफ है, फ्लेम ऑन कर दी है मैंने और इसे अब लो फ्लेम पे बिल्कुल हमें पकाना है। फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम नहीं रखनी है आपने, हाई नहीं करनी वरना ये जल जाएगा। फिर ठीक करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये 2 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर डाला है मैंने इसमें मक्खन, और ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो गया है। ये ठीक हो गया है इस तरह से। आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे पकाने में। साथ ही इसमें फ्रेश क्रीम डाल दी है मैंने 1/2 कप। फ्रेश क्रीम इसलिए यूज़ की है क्योंकि अगर हम ये पहले से ही बहुत मीठा है, अगर हम व्हिपिंग क्रीम यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे और ये ब्रिगेडेरो फिलिंग जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा सा आप मिल्क ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी ठीक भी कर सकते हैं क्योंकि ठंडे होने पर ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको मैंने सेपरेट बॉल में निकाल लिया है ताकि कुकिंग जो है वो स्टॉप हो जाए और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 कप जो है मैंने मैदा लिया है, इसे सिफ्ट कर लेंगे। ये प्रोसीजर बिल्कुल ना भूलें, जो भी चीज़ें हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो सब हमने सिफ्ट करनी है, छाननी है लाजमी। कोको पाउडर लिया है 3/4 कप, तो भी सिर्फ करेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 1.5 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। अब ये सब चीज़ें भी सिर्फ कर लेंगे। सॉल्ट से बहुत अच्छा बैलेंस आता है शुगर के साथ सॉल्ट का, तो सॉल्ट डालना बिल्कुल मत भूलें। अच्छे से सब चीज़ों का मिक्स कर लें। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे, उसे भी सिफ्ट कर लेते हैं। पाउडर शुगर यानी कि कैस्टर शुगर है 1 कप, और साथ ही ब्राउन शुगर मैं ऐड करूंगी वो भी 1 कप लेंगे। और अगर आपके पास ब्राउन शुगर जो है नहीं है तो आप 1.5 या 2 कप ही जो है नॉर्मल शुगर जो कैस्टर शुगर है वो यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ 2 कप जो है वो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अब हम चलते हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट की तरफ। अंडे लिए हैं मैंने 4 अदद, मीडियम साइज के हैं, रूम टेम्परेचर पे। ठंडे अंडे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने हैं, अभी नहीं बीट कर लेंगे। साथ ही इसमें ऑयल लिया है 3/4 कप, बटर मिल्क 1 कप, कॉफ़ी पाउडर 1 टीस्पून, गरम पानी है थोड़ा 1 कप, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, 2 टीस्पून वनीला एसेंस है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो 1 कप मिल्क लें और उसमें 1/2 टीस्पून सिरका या लेमन जूस डालें, लेकिन मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, और बस वो बटर मिल्क जो है आपका रेडी हो जाएगा। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट जो सिफ्ट करके रखे थे वो मिक्स करेंगे और 3 पोर्शन में ये मैं करूँगी ताकि लम्स ना बने। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और ये दोबारा 2nd पोर्शन डालूंगी। आपको ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और जो है आराम से बस मिक्स करें कि लम्स ना रहें, ओवर मिक्सिंग से भी केक हार्ड हो जाता है। तो आपको जस्ट फोल्ड करना है, मिक्स करना है कि कोई लम्प ना रहे और अच्छे से चीज़ें कंबाइन हो जाए। इसका बैटर जो है केक का थिन है और ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। बटर मिल्क डालना ना भूलें बिल्कुल भी।
बेकिंग के लिए मैंने अल्मोनियम फॉइल के कंटेनर्स लिए हैं A2 साइज के। 3 कंटेनर्स में ये इक्वली मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अभी मैं 2 दिखा रही हूँ आपको। और पतीला जो है मैंने पहले से ही मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है 10 मिनट तक। और उसमें जाली स्टैंड रख के ये मैंने अल्मोनियम फॉइल का कंटेनर रख दिया है। और इसे आप जो है बेक कर सकते हैं, लोफ केक के पैन में भी कर सकते हैं। अब इसे कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे आपने पकाना है 20 से 25 मिनट में ये कुक हो जाएगा। अब जो है इसको टेस्ट करते हैं। ये टूथपिक ली आपने और इंसर्ट की, ये क्लीन आई, तो इसका मतलब केक जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें होल्स कर देंगे इस तरह से। केक जो है वो ठंडा हो चुका है मेरा, रूम टेम्परेचर पे आ गया। 20-25 मिनट बाद ही आप इसे जो है इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। अब जो फ्रॉस्टिंग मैंने बना के रखी थी ब्रिगेड रो, वो भी जो है कूल हो चुकी थी बिल्कुल। देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। तो अब मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी इक्वली। एक केक की मैंने बचा के रखी हुई है। अब इस पर चॉकलेट है चॉप की हुई, वो डाल दूंगी। आप कोई सी भी टॉपिंग यूज कर सकते हैं, चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, इस पे स्प्रिंकलर ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा ब्राज़ीलियन चॉकलेट केक रेडी है ब्रिगेडेरो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।